नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं साइंस के 37 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके RRB, NTPC, रेलवे ग्रुप डी और हरियाणा पुलिस कांस्टेबल जितने भी एग्जाम दोस्तों होते हैं उन सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी दबा लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हमारा पहला क्वेश्चन रहने वाला है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो दोस्तों देखिए, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो स्थित है वो है ऑप्शन ए न्यू दिल्ली। ओके, नई दिल्ली में स्थित है। अगला है हमारा क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है। तो भारत में जो हरित क्रांति के जन्मदाता हैं वो हैं ऑप्शन बी MS स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हमारा 3, प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक है। तो प्राकृतिक कृषि का जो अन्वेषक है तो वो हो जाएगा ऑप्शन बी MS रंधवा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, भारत में फसल के प्रकार को निर्धारित किया गया है। तो भारत में फसल के प्रकार को निर्धारित किसके द्वारा किया गया है, ऑप्शन डी वर्षा के परिमाण तथा तापक्रम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि रेगिस्तान में पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं। तो रेगिस्तान में पाई जाने वाली जो वनस्पति होती है गाइस उसको हम लोग कहते हैं ऑप्शन बी ज़ेरोफाइट्स। ओके, अगला है हमारा क्वेश्चन, भारत में फूलों की अधिकतम किस्में पाई जाती हैं। तो भारत में जो फूलों की जो अधिकतम किस्में पाई जाती हैं वो पाई जाती हैं ऑप्शन सी उत्तराखंड में। ओके, अगला है हमारा क्वेश्चन 7, खरीफ का मौसम कब होता है। तो खरीफ का जो मौसम होता है वो होता है जून से सितंबर के बीच। खरीफ का मौसम जून से सितंबर के बीच। ओके, नेक्स्ट है हमारा 8, विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो विश्व में प्राकृतिक रबड़ का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो हो जाएगा ऑप्शन डी थाईलैंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है ऑप्शन 9, क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी कानपुर में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है 10, झूम खेती प्रचलित है। तो झूम की जो खेती प्रचलित है वो किस क्षेत्र में प्रचलित है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी असम क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है 11, सिनकोना पौधे के किस भाग से कुनैन प्राप्त किया जाता है। तो सिनकोना पौधे के किस भाग से कुनैन प्राप्त किया जाता है, ये हो जाएगा ऑप्शन ए तने की छाल से। ओके, नेक्स्ट है हमारा, पौधे नाइट्रोजन को किस रूप से ग्रहण करते हैं। तो पौधे जो नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं वो नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। अगला है, पूर्ण पुष्प में पाया जाता है। तो पूर्ण पुष्प में क्या क्या पाया जाता है दोस्तों, ऑप्शन ए पुमंग या और जायांग या सभी चारों वक्र चक्र या बाह्य दलपुंज एवं दलपुंज, दल पुमंग या जायांग। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी सभी चारों चक्र पाए जाते हैं। अगला है हमारा, फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा होता है। तो फूल गोभी का खाने योग्य भाग होता है ऑप्शन बी पुष्पक्रम। अगला क्वेश्चन बनता है, नारियल का फल होता है। तो नारियल का फल होता है 15 का क्या होगा आंसर, ऑप्शन सी डूपी। तो नारियल का फल क्या होता है, डूपी। ओके, अगला है 16 क्वेश्चन हमारा, विश्व वन दिवस मनाया जाता है। तो विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मार्च, 21 मार्च को विश्व वन दिवस मनाया जाता है। अगला है हमारा क्वेश्चन 17, पौधों के रस को चूस लेने वाला सबसे छोटा कीट कौन सा होता है। तो पौधों के रस को जो चूसने वाला सबसे छोटा कीट होता है वो हो जाएगा ऑप्शन ए एफिड। अगला है 18, हमारा सबसे बड़े पुष्प होते हैं। तो सबसे बड़े जो पुष्प होते हैं उसका नाम होता है रेप्लेसिया। ओके,
सबसे बड़ा पुष्प अगर पूछा जाए तो हो जाएगा रेफ्लेसिया। अगला है चाय में लाल कीट का कारण क्या होता है। तो चाय में लाल कीट का जो कारण होता है वो होता है ऑप्शन सी हरी शैवाल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हमारा 20वां, किसमें बीज नहीं बनते हैं। तो बीज नहीं बनते हैं तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी फर्न में बीज नहीं बनते हैं। अगला है हमारा 21वां, नींबू में कैंकर रोग होता है। तो नींबू में कैंकर रोग होता है किसके कारण से, ऑप्शन बी जीवाणु से। ओके, अगला है मटर में मार्स रोग का कारण क्या होता है। तो मटर में मार्स रोग का कारण होता है मैग्नीज की कमी के कारण, मतलब एमन की कमी के कारण होता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा 23वां क्वेश्चन, भारत का विश्व में गेहूं उत्पादन में कौन सा स्थान है। तो ये हो जाएगा गेहूं उत्पादन में भारत का जो विश्व में स्थान हो जाएगा ऑप्शन बी सेकंड पोजीशन पे आता है। नेक्स्ट है हमारा 24, निम्नलिखित में कौन सा असत्य फल है। तो ये हो जाएगा काजू, सेब, नाशपाती या उपयुक्त सभी। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। 25 है हमारा, निम्नलिखित में कौन नकदी फसल है। तो नकदी फसल जो होती है वो हो जाएगा ऑप्शन सी तंबाकू। अगला है 26, निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन सर्वाधिक होता है। तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन जो सर्वाधिक होता है वो होता है ऑप्शन सी मूंगफली में। 27 क्वेश्चन हमारा जो बनता है पूछ रहा है कि यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में होता है। तो यूरिया में जो नाइट्रोजन होता है वो एमाइड के रूप में होता है, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनता है 28वां, सोयाबीन की उत्पत्ति कहाँ हुई। तो सोयाबीन की जो उत्पत्ति हुई थी गाइस वो हुई थी ऑप्शन बी चीन में, या कह सकते हैं चाइना में। सोयाबीन की उत्पत्ति अगर पूछी जाए कि इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई थी तो ये हो जाएगा चाइना में। ओके, अगला है हमारा 29, हरित क्रांति के दौरान किस खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा। तो इसका जो आंसर गाइस होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए गेहूं का उत्पादन बढ़ा। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन प्रोटीन का उत्तम स्रोत है। तो चार ऑप्शन हमारे दिए गए हैं गाइस, आपको बता देते हैं कि सोयाबीन, मूंगफली, गेहूं, अरहर। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए सोयाबीन। तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन का उत्तम स्रोत होता है सोयाबीन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है 31वां कि भारत में कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य है। तो भारत में कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य जो है वो हो जाएगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र। नेक्स्ट है हमारा 32, भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य कौन सा है। तो भारत का जो सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए केरल। 33वां हमारा क्वेश्चन इस प्रकार से है कि क्षारीय मृदाओं में सुधार लाने के लिए उपयुक्त रसायन है। तो क्षारीय मृदाओं में सुधार लाने के लिए जो उपयुक्त रसायन है वो हो जाएगा ऑप्शन डी पाइराइट्स। अगला है 34, रेड डॉट रोग किस फसल का रोग है। तो रेड डॉट जो रोग है वो ऑप्शन ए गन्ना का रोग है। ओके, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है 35 कि भारत में निम्नलिखित में किस फसल का आगे है। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ किस फसल का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है। तो भारत में जो क्षेत्रफल है फसल का नाम हो जाएगा ऑप्शन सी धान की खेती बहुत की जाती है, इसका क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा है। अगला है 36, भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी लखनऊ। ओके, 37 हमारा क्वेश्चन बनता है गाइस, मानव द्वारा सबसे पहले उपयोग में लाया जाने वाला अनाज है। तो मानव द्वारा सबसे पहले उपयोग में लाया जाने वाला अनाज हो जाएगा ऑप्शन डी गेहूं।
अगला क्वेश्चन बनता है 38, भारत में सबसे अधिक तिल का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक तिल का जो उत्पादन करता है तो वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सॉरी संसार में जो सबसे अधिक तिल का उत्पादन करता है वो देश हो जाएगा भारत, ऑप्शन बी भारत। अगला है 39, निम्नलिखित में कौन केसर का उत्तम स्रोत नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी कैरोटीन। ओके तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे, नाइट भी शुभ रहे।